और गरीब अपने आप को गरीब सोचता है, वो गरीब नहीं है, गरीब दुकानदार है। सुबह 8 बजे दुकान खोलता है, रात को 9 बजे दुकान बंद करता है, सुबह बुहारी अपने आप निकालता है, मेहनत अपने आप करता है, सब कुछ सामान भी अपने आप बेचता है। 14 घंटे मेहनत करता दुकानदार, और जो ये 8 घंटे मेहनत करते हैं उनको तेल फ्री है, मिट्टी का तेल फ्री, राशन फ्री है, किताबें फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, उनको गरीब मानते हैं और उनको दिया जाता है। उनको लंगड़ी बना रही गवर्नमेंट, आगे जाके लंगड़ा बना के ऑपरेशन कर दो, ये माध्यम नहीं है। सब कुछ आरक्षण बंद होना चाहिए। भैंस तो बांध जाए बड़ी सी डांडा और पानी पिया जाए उसकी मिसिज, और आधार कार्ड ले हम ज़्यादा, इसके अंदर दोष पब्लिक का भी है। काम जो ना काम बनते हैं लेकिन पब्लिक नहीं गिनती, काम बनते हैं पब्लिक नहीं गिनती। अमर सिंह डांडा ने अपनी तरफ से जो ना दिन रात लगा के काम किए हैं। बिंदास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई और आपने बता दिया बिंदास हरियाणा की चुनावी सर्वे टीम जो कि सर्वे का लगातार करने लग रही है 2024 के विधानसभा का। फिलहाल जुलाना शहर के अंदर मौजूद हैं और जुलाना के जो विधानसभा के MLA हैं, विधायक हैं, अमरजीत डांडा जी हैं। बाकी भाई जनता पीछे बातचीत आपकी करवा देंगे। क्या कुछ रहा, क्या कुछ 10 साल तक चल रहा है? नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, बात करें तो अपने जुलाना विधानसभा की, ठीक है, अमरजीत डांडा जी यहाँ के विधायक हैं, ठीक है, क्या कुछ उनके कार्यकाल में 4.5 साल में कितने काम कुम हुए? ऐसे है, इसके पीछे दो विचार हैं। अमर सिंह डांडा ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं डाली, लेकिन पब्लिक का भी क्या है, पब्लिक क्या चाहती है कि भैंस तो बांध जाए अमर सिंह डांडा और पानी पिया जाए उसकी मिसिज, आधार कार्ड ले हम, ज़्यादा इसके अंदर दोष पब्लिक का भी है। काम जो ना काम बनते हैं लेकिन पब्लिक नहीं गिनती, काम बनते हैं पब्लिक नहीं गिनती। अमर सिंह डांडा ने अपनी तरफ से जो ना दिन रात लगा के काम किए हैं। तो जी BJP सरकार हरियाणा की दावा करे रोजगार के ऊपर, जो बिना खर्ची पर चिगे रोजगार हमने हरियाणा में खूब दिए हैं, क्या कुछ लगे जी अंकल जी, कितने का रोजगार हरियाणा में आपकी नज़र में है कि भाई सरकार ने दिए हैं? रोजगार जो ना खूब दिए हैं, और गरीब अपने आप को गरीब सोचता है, वो गरीब नहीं है, गरीब दुकानदार है। सुबह 8 बजे दुकान खोलता है, रात को 9 बजे दुकान बंद करता है, सुबह बुहारी अपने आप निकालता है, मेहनत अपने आप करता है, सब कुछ सामान भी अपने आप बेचता है। 14 घंटे मेहनत करता दुकानदार, और जो ये 8 घंटे मेहनत करते हैं उनको तेल फ्री है, मिट्टी का तेल फ्री, राशन फ्री है, किताबें फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, उनको गरीब मानते हैं और उनको दिया जाता है। उनको लंगड़ी बना रही गवर्नमेंट, आगे जाके लंगड़ा बना के ऑपरेशन कर दो, ये माध्यम नहीं है। सब कुछ आरक्षण बंद होना चाहिए, मुफ्त का खाना बंद होना चाहिए, मुफ्त की बिजली बंद होनी चाहिए, सब कुछ अपने जो ना जो पड़ेगा वो नौकरी लगेगा, जिसके नंबर अच्छे आएंगे वो नौकरी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको एक जाति सूचक बना के, गरीब बना के उसको तेल दे दिया, आज ना मनरेगा के तहत काम दे दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब तक हिंदुस्तान के अंदर MLA और MPs का चुनाव इकट्ठा नहीं होगा, आरक्षण बंद नहीं होगा, मुफ्त की रोटियां बंद नहीं होंगी। आज गवर्नमेंट के खाद का कट्टा पड़ता 1500 रुपये का है, 250 रुपया कट्टा मिलता है, फिर भी जमींदार क्या कहता मैं मर गया, आंधी आ गई तूफान आ गई तब भी इनको मुआवजा मिलता है, क्या कहते हैं मोदी खा गया, मोदी कैसे खा गया, प्रधानमंत्री कैसे खा गया, क्या हो गया, इतनी सड़कें बन गई हैं, इतने पुल बन गए हैं, इतनी बिजली का काम हो गया है, इतने रेलवे स्टेशन बन गए हैं, पहले तालाब का पानी पीते थे अब 25 रुपये पानी पीते हैं बोतल का, कहाँ से गरीबी है, कोई गरीबी नहीं है देश के अंदर, वैसे गरीबी बना रखी है। क्यों देते वो मुफ्त की बिजली, क्यों खाते मुफ्त की रोटी, अरे 2 आँख उनको दे रखी है, 2 हाथ है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तो फिर क्या मतलब है। तो जी अंकल जी एक बात करा तो एक कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, हाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, हुड्डा ग्रुप की हम बात करेंगे, एक यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब शुरू करी है, हाँ ठीक, क्या कुछ लगेगा भाई हिसाब किसको किनको देना चाहिए और किन ने हिसाब लेना चाहिए? ठीक है, इसके पीछे क्या है, जो हुड्डा अपनी तरफ से सही है, देवीलाल के परिवार का जन आधार बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसके जो भी भाई भतीजे जो भी जितनी पार्टियां थी उसके जो गुंडा तत्व था वो सारा गुंडा तत्व इसमें क्या नाम अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आ चुका है, उनको रोक नहीं सकेगा वो, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आती है उनको रोक नहीं सकेगा वो गुंडा तत्व जो है ना, उनको तो रात को दारू पीने के लिए चाहिए, बदमाशी चाहिए, वो उसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो उसके लिए जो अच्छे मतलब अपना रोजगार करके खाते लोग वो उनके लिए खतरनाक है।
नमस्कार अंकल जी, और ठीक हो? राजी खुशी हो भाई? ने बोला अंकल जी, एक चीज पूछांगे। आप जुलाना मरो शहर मरो हूँ, जुलाना शहर की स्थिति 10 साल में बढ़िया हुई है, नहीं हुई है, क्या कमी रही? पहले से सुधार है, पहले बढ़िया है। 10 साल पहले का कांग्रेस राज आपने देखा, 10 साल का बीजेपी राज आपने देखा, क्या अंतर नजर आ दोनों राजा में? भाई मतलब बीजेपी बढ़िया लगे है। किस कारण था जी? मतलब बदमाशी कुछ कम हुई पहले से, बदमाशी कम पहले से। आपने पूरी बात से सुन ली, क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दिया, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दियो भाई। चलो बातचीत आपकी कर लेते हैं, क्या कुछ लगा जी हरियाणा में? अच्छा, जो चुनाव आने वाले विधानसभा के, कितना क्या कुछ सोच के वोटिंग करोगे आपकी बार? तेज ही तुम्हें चलेगी वोटिंग दो, जो देश के लिए भले ही कोशिश करेगा उसके लिए वोट कराएंगे जी। तो जी आपने अब की बार मुद्दा देखा होगा, बीजेपी का मुद्दा आपने देखा, जो लोकसभा चुनाव थे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस का आपने देखा संविधान की कॉपी हाथ में लेके चल रही थी, क्या कुछ लगा जी कौन से दम चल रहे हैं, कौन से सच्चाई पे लग रहे हैं? संविधान के खिलाफ तो ये कि मैं करें रहे, बीजेपी वाले बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं, कांग्रेस ने सदा खिलाफ फतम रही, इनका काम संविधान के खिलाफ चली है, तो काम तो बीजेपी का बढ़िया लगने लग रहा है। हमने तो देश हित में जो काम करे हैं मोदी जी ने, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं, देश में अच्छे अच्छे काम होने लग रहे हैं। हाँ जी, फिलहाल भाई बातचीत आपने सुन ली, क्या लगे कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दिए। इसी के साथ अपने वीडियो को आराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।